आज मैं आपके लिए मीठे की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ, खाने में तो बहुत अच्छी है और साथ में हेल्दी भी है। और इसको बनाने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, बिल्कुल 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। विंटर का सीजन चला तो हमने सोचा गुड़ से कुछ आपके लिए हेल्दी रेसिपी लेके आई जाए। तो हमने यहाँ पे 2 चम्मच गुड़ लिया, ये गुड़ मेल्ट है। अगर यहाँ पे आपके पास अगर ड्राई वाला गुड़ है ना, गुड़ का पाउडर, तो आप इसमें वो भी डाल सकती हैं। तो हमने यहाँ पे 2 छोटा चम्मच गुड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच तिल, 2 से 3 इलायची को मोटा मोटा क्रश कर लिया, वो हम इसमें डाल देंगे। आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं केवल गुड़ और तिल के साथ ही, पर हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़े से 1/2 चम्मच मेलन सीड्स लिए हैं, हमने यहाँ पे 1/2 चम्मच मेलन सीड्स लिए, वो हम इसमें डाल दे रहे हैं। और 1 चम्मच हमने यहाँ पे कसा हुआ नारियल लिया है, वो डाल दिया। 1 चम्मच हमने इसमें यहाँ पे बादाम डाले हैं कटे हुए, 1 चम्मच हमने यहाँ पे कटे हुए काजू डाले हैं। और ये ऑप्शनल, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच हमने यहाँ पे पम्पकिन सीड्स डाले हैं। अब हम सारी चीजों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, तो हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजों को। गुड़ पसंद नहीं तो आप गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा हेल्दी बना रहे हैं तो हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और हेल्दी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिए 2 ब्राउन ब्रेड, आप ब्राउन ब्रेड की जगह व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, 1 ब्रेड लेंगे और उसके ऊपर अच्छे से घी अप्लाई कर देंगे। आप यहाँ पे घी की जगह बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ब्रेड में घी को अच्छे से अप्लाई कर देंगे। हमने ब्रेड पे दोनों साइड अच्छे से घी लगा दिया। हम क्या करेंगे, हमने जो मिक्सचर बनाया था ना, वो हम 1 ब्रेड पे पूरा डाल देंगे। अब हम इस मिक्सचर को पूरी ब्रेड पे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। हमने इसे अच्छे से स्प्रेड कर दिया। अब जो हमने दूसरी वाली ब्रेड ली थी ना, वो उसके ऊपर ऐसे रख देंगे और इसको हल्का से प्रेस कर देंगे। एक पैन गर्म करने के लिए रख, इसमें थोड़ा सा घी डाल देंगे, बना के रखा था ना वो हम इस पे रख देंगे। और इसको हम स्लो फ्लेम पे धीमे धीमे सिकने देंगे, तो जिससे गुड़ अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगा और दोनों तरफ से अच्छे से स्टिक हो जाएगी ब्रेड। सैंडविच एक तरफ से सिक गया तो हम इसकी दूसरी तरफ भी थोड़ा सा घी लगा के इसको अच्छे से सेक लेंगे, जिससे ये अच्छे से क्रंची हो जाए दोनों तरफ से। अब इसको हम पलट के दूसरी साइड भी सेकेंगे। देखिए एक तरफ से कितनी अच्छी सिकी हुई है, इसी तरह हम दूसरी तरफ भी इसको सेक लेंगे स्लो फ्लेम पे। एक बोल लिया, इसमें हम 1/2 कप बॉइल्ड दूध डाल रहे हैं। इसमें हम 5 चम्मच मिल्क पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच काजू डाल रहे हैं और 1 छोटा चम्मच इसमें हम बादाम डाल रहे हैं, जिसमें पिस्ते की कतरन डाल रहे हैं। थोड़ी सी इलायची हमने क्रश करी थी ना, वो हम इसमें डाल दे रहे हैं। और हेल्दी बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच गुड़ का पाउडर, आप यहाँ पे चीनी भी डाल सकते हैं या फिर आप थोड़ा सा गुड़ जो आपके पास नॉर्मल वाला गुड़ होता है ना, वो डाल के अब हम सारी चीजों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी ब्रेड दोनों तरफ से अच्छी क्रिस्पी हो गई है, ब्राउन हो गई ऊपर से, तो हम यहाँ पे गैस को बंद कर देंगे। देखिए कितनी क्रिस्पी है दोनों तरफ से। अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, इसको एक नाइफ की सहायता से 4 पीसेस में ट्रायंगल शेप में कट कर लेंगे। आपको एक बार इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ, कितना अच्छा लग रहा है इसका टेक्सचर। 4 पीसेस में कट कर लिए, चाहे तो आप इसको एज अ सैंडविच भी खा सकते हैं। ऐसे प्लेट में इसको, एक प्लेट में इसको सर्व कर ले रहे हैं। हमने ये गरम वाला दूध बना के तैयार किया था ना, वो हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप, जैसे हमने 1/2 कप दूध लिया, आप 1/2 कप की जगह 1 कप दूध लेके इसको गाढ़ा कर लीजिए, तो ये आपका मिल्क पाउडर का काम कर, मतलब मिल्क पाउडर आपको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने इंस्टेंट बनाया है तो हमने इसमें मिल्क पाउडर का यूज किया है। लीजिए हमारी फटाफट से बनने वाली स्वीट डिश बनके रेडी हो गई है। आप भी अपने घर में ट्राई करें तो आपके घर में भी सबको बहुत पसंद आएगी, आप हफ्ते में से 2 दिन बनाना पसंद करेंगे। ये रेसिपी मेरे घर में बच्चों को बहुत पसंद आई, उनको पता भी नहीं चला ये हमने गुड़ से बनाई, तो आप भी इसे ट्राई करें अपने घर में। तो फ्रेंड्स, मैं तो अपने घर में इसे एंजॉय कर रही हूँ, अगर आपको भी पसंद आए तो आप इसे भी अपने घर में बनाइए और एंजॉय कीजिए। और ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनी है, तो आप इसको अपने घर में एक बार ट्राई जरूर करें। अगर ट्राई करने के बाद आपको मेरी रेसिपी पसंद आती तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।